बहुत शानदार थे, प्रेम कपूर की एक्टिंग बहुत शानदार थी, बॉबी देओल ने अपना रोल पूरे तरीके से निभाया, रश्मिका थोड़ी फीकी लगी, बाकी बहुत शानदार। एक्शन के बारे में बताइए, एक्शन खतरनाक स्टंट, बहुत आसू रणवीर कपूर कभी वो करता ही नहीं डिसअपॉइंटमेंट, हमेशा अच्छा ही करता है। डायरेक्टर ने तो नहीं डिसअपॉइंट किया? नहीं नहीं नहीं, कबीर सिंह से भी अच्छी लगी है मुझे तो। क्या क्या अच्छा था फिल्म में, मतलब स्टोरी वाइज? म्यूजिक, स्टोरी, रोमांस सब भी अच्छा था, एग्रेशन तो भरपूर और धासू है। भाई कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छी मूवी है, रणवीर कपूर की एक्टिंग शानदार, रणवीर कपूर का एक्शन एक नंबर, एक नंबर। हाँ मैम कैसे लगी मूवी भाई? बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया लगी। क्या क्या अच्छा लगा? सब अच्छा लगा भाई, बढ़िया थी, बढ़िया, एकदम मस्त मूवी है। क्या क्या अच्छा लगा? बहुत एकदम, उसका ये क्या कहते हैं, उसका कंटेंट जो है एक नंबर लगा। एक्शन कैसा था? एक्शन भी एक नंबर था, पार्ट टू आएगा तो और अच्छा लगेगा। मूवी कैसे लगे? अच्छे थे। मैम कैसे भाई, कैसे लगे, कैसे लगे भाई? अमेजिंग, कैसे लगे? एक नंबर भाई, कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया, बढ़िया थी भाई। भाई कैसे लगे पिक्चर? अच्छे थे। सर कैसे लगे पिक्चर? एक नंबर, एक नंबर, बढ़िया। सर कैसे लगे? एक नंबर मूवी। रणवीर का काम पसंद आया? रणवीर का काम का, दोनों का, बॉबी देओल और रणवीर दोनों। कैसे लगे भाई एनिमल? बढ़िया थे, बढ़िया थे, बढ़िया मूवी थी भैया, बढ़िया। रणवीर का काम कैसा था? बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। पिक्चर, पिक्चर तो बहुत मस्त थी। क्या क्या चेक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैसा वसूल मूवी, पैसा वसूल मूवी, एक नंबर। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में आपको? क्लाइमेक्स सीन अच्छा था, उसकी एंट्री अच्छी थी, और कहानी एक्शन वगैरह, डायलॉग एक नंबर थे, कहानी मतलब सुपर। जितना सोच के आए थे उतना सब कुछ मिल गया, इससे ज्यादा ओवररेटेड। कैसे लगे? अच्छी लगी। रणवीर का काम पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा लगा। वो बॉबी देओल का ओवरऑल मूवी अच्छी थी, बॉबी देओल भी अच्छा वापसी आई है तो अच्छा लगा हमें। जी जी, जितना सोच कर आए थे उतना एंटरटेनमेंट मिला, अच्छा रहा, ओवरऑल गुड, वेरी गुड। क्या क्या अच्छा लगा पिक्चर में? वही पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत शानदार था उसका। अच्छा, वो एक्शन वगैरह पसंद आया, कहानी अच्छी लगी, सब बढ़िया था, बढ़िया। सर कैसे लगे मूवी? भाई साहब ठीक है, अच्छे थे, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब दम वाली बात। ये मूवी बहुत अच्छी। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में? बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी लगी। जितना सोच कर आए थे उतना सब कुछ देखने को, आउटस्टैंडिंग है। आरके का परफॉर्मेंस कैसा लगा? ऑसम, ऑसम। और बॉबी देओल मस्ट वॉच है। भाई कैसे लगे पिक्चर? अच्छी लगी, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। सर कैसे लगी मूवी? अच्छी मूवी। एक्शन वगैरह कैसा था? बढ़िया एक्शन। रणवीर कपूर का काम पसंद आया? अच्छा था। और बॉबी देओल का काम कैसा गया? देओल का भी बढ़िया था, जितना सोचा था उतना एंटरटेनमेंट मिला, बहुत अच्छा, मस्त, बहुत बढ़िया, ऑसम। कहानी कैसी थी फिल्म की? इंटरेस्टिंग थी, फादर और सन के ऊपर थी जी। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए जी। एक्शन कैसा था फिल्म का? जोरदार, बहुत मस्त। रणवीर का काम पसंद आया? बहुत। कैसे लगे पिक्चर? एक नंबर, एक नंबर। कैसे लगे पिक्चर? एक नंबर। क्या क्या अच्छा लगा पिक्चर में? सब कुछ अच्छा है, पूरी मूवी जो एक्शन पसंद आया कि नहीं, पूरी एक्टिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया है, ब्लॉकबस्टर मूवी है। रणवीर का काम अच्छा लगा? रणवीर, बॉबी सबका काम बेस्ट है। कैसे लगे बढ़िया पिक्चर का? बॉबी देओल और रणवीर सिंह की एक्टिंग बहुत शानदार। रणवीर कपूर, हाँ रणवीर कपूर, सॉरी। अच्छा ये बताइए, फिल्म 3.5 घंटे के अराउंड है तो बोर तो नहीं करती कहीं? नहीं नहीं, बोर कोई भी नहीं है मूवी, पूरी बहुत अच्छा मजा है। बॉबी है, बॉबी देओल की क्या वापसी हुई है, मजा आ गया। बॉबी देओल का रोल अच्छा खासा है या फिर ऐसे ही है? बहुत अच्छा लगा बॉबी देओल की एक्टिंग, और रणवीर कपूर की भी एक्टिंग बहुत शानदार। जितना ट्रेलर में एक्शन दिखाया था उससे ज्यादा था या फिर? उससे ज्यादा सुपर हिट है। पाजी ये बताइए, ये मूवी गदर 2 के बाद सुपर हिट होगी? हाँ वो तो है, एक गदर 2 पहले पे रहेगी, सेकंड पे एनिमल रहेगी। तो आप ये बताइए, जिस तरह की हाइप बनी थी और बताया जा रहा था उस तरह से फिल्म है या नहीं? उस तरह से ही है, उससे बल्कि ज्यादा अच्छी बनी है, ज्यादा अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी है। फिल्म लगभग 2-3 घंटे 21 मिनट की है, तो आपको देखते वक्त ऐसा लगा कि यार ज्यादा लंबी थी? हमको तो और मजा आ रहे थे, मजा आ रहे थे, बहुत अच्छी मूवी बनी। अच्छा इंटरवल सेकंड पार्ट 2 भी लिखा है तो उसमें आएगा, आप ये बताइए इंटरवल के पहले ज्यादा अच्छी लगती है? इंटरवल के बाद, इंटरवल के बाद, इंटरवल के बाद पूरी अच्छी है। इसमें जो बाप बेटे का इमोशन है वो सही से दिखाया है कि कैसे एक बाप को अपने बेटे के साथ रहना चाहिए? जी जी, वो पूरा दिखाया है जी। ये इनमें रहते नहीं थे तो उसको उसी मेंटल से था बचपन में गुस्से से, तो वही पूरा मूवी। बट आपके टिकट के पैसे वसूल हुए? पूरा वसूल। मूवी वॉज फैंटास्टिक, और एक और चीज़ की ये पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं संदीप रेड्डी वंगा, इसके बाद उसके और पार्ट्स आएंगे, एनिमल फैन क्लब, एनिमल पार्क आएगा जी। और ये पिक्चर कंटिन्यूटी में भी बहुत पार्ट्स आएंगे, बहुत मजा आएगा। पार्ट 1 में क्या क्या अच्छा लगा आप ये बताइए? पार्ट 1 में जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि बाप और बेटे का प्यार, वो तो दिखा ही सही, पर उस
उसका जो वायलेंस दिखा हुआ आज तक हॉलीवुड मूवी में नहीं, ऐसा वायलेंस दिखाया है किसी, मतलब फुल वायलेंस है, फुल वायलेंस ऐसी मूवी नहीं बनी आज तक, आप खुद देखोगे आपको पता चलेगा। रणबीर कपूर पहली बार मासी अवतार में आया तो उनका काम कैसा लगा आपको? रोम कॉम में तो बहुत देखा है पर मास में वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब रोम कॉम तो भूल ही जाओगे आप कि ये बंदा ऐसा भी हो सकता है, इसका ये पार्ट भी है लाइफ में। जी जी जी, बहुत शानदार पिक्चर है। जितना सोच कर आए थे उतना एंटरटेनमेंट, उतना मजा मिला। पैसा वसूल, पैसा वसूल। और बॉबी देओल के बारे में क्या कहोगे? पार्ट थोड़ा कम रखा उनका, मतलब उनका विलन के तौर पर ज्यादा उनको दिखाया नहीं, पर जितना भी दिखाया मजा आया। मजा आया, पैसा वसूल हो गया फुल ऑन। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? 5। आप बताइए आपको कैसे लगी? बहुत प्यारी लगी मूवी। ओ मेरे लिए रुकना, शुरू से करते हैं, कैसे लगी मूवी? बहुत प्यारी मूवी थी। मैं बोल सकता हूँ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में इसकी मूवी बनाना बहुत मुश्किल है जी, और मेरे हिसाब से अगर सलार भी आने वाली ना तो सलार भी इस लेवल की नहीं आने वाली। जी जी, तो इसमें क्या क्या अच्छा लगा आप थोड़ा डिटेल में? मैं अगर बताऊँ तो पहली बात तो इतनी ओपनली टॉक थी जी, अब वो थोड़ा सा अलग लेवल में चल जाती है, बट बहुत तगड़ा था। और एक्शन तो हमारी वो रूम बराबर की गन देख के तो हमारा दिमाग हिल गया जी, जैसे कचरा उड़ता है ना हवा के अंदर वैसे बंदे उड़ रहे थे ऐसे जब मारे जा रहा था, और कम से कम 500-700 लोगों को मारा था जी, जिस हिसाब से उन्होंने काउंटिंग बताई थी उस हिसाब से। और मासी अवतार की तो बात ही क्या करे यार, मतलब इसके बाद तो मैं कह सकता हूँ कि रणबीर कपूर जो है ना वो बिल्कुल वर्ल्ड का फेवरेट एक्टर बनने जाता है, बनने वाला है, मतलब उसके ऐसा कोई नहीं हो सकता इस मासी अवतार में, कोई भी मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, फिल्म 3 घंटे 21 मिनट की, तो आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ ज्यादा लंबी खींच दी, लेंथ कम? अभी आपको बताइए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 3 घंटे 50 मिनट की आने वाली है, बट अभी की बात करें तो आपको ऐसा लगा क्या? मेरे तो पहले होश उड़ गए देख के कि यार ये 3 घंटे 21 मिनट की मूवी में, मैंने तो 2-2.5 घंटे देखा था, और पहले आते समय मैंने पहले गूगल पे चेक ही नहीं करा कि इसकी ड्यूरेशन अवर 3 घंटे 21 मिनट है, मैंने जैसे 203 मिनट पर 96 सेकंड से कहा मेरा दिमाग हिल गया। तो देखते वक्त आपको क्या फील हुआ कि ज्यादा लंबी हो गई? मैं देखते हुए क्या फील हुआ मैं बताऊ, नहीं बिल्कुल लगा ही नहीं ऐसा, और 1-20 सेकंड के लिए ध्यान नहीं हटा मेरा, मैं लिख के दे सकता हूँ जी जी ये चीज का। अच्छा ये बताइए, एक्शन की आपने तारीफ की, एक्शन बढ़िया बिल्कुल, बट इसके अलावा इमोशंस, रोमांस वगैरह? अब मैं देखो इमोशन, अब ये मूवी वैसी है पूरा सेक्स वगैरह सब सब कुछ है इसके अंदर जी जी, पूरा ओपनली टॉक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे बोलने में भी शर्मा रहा हूँ, वो मूवी में एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म का मिला, एडल्ट रोमांस एक्शन कॉमेडी Everything is in there. सब कुछ है उसके अंदर। संदीप रेड्डी वंगा ने सही करके दिखा दिया जो बोला था मोस्ट वायलेंट। वो पागल एक्टर है, वो पागल डायरेक्टर है जो भी कहते हैं उसको, उनने बोल दिया था कि आई एम अ साइको, और उसने वैसी मूवी बनाई है जी। और आखिरी का जिस हिसाब से उसने क्लोज करा ना, ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े काटे उनने ऐसे दिखाया हमने, जो हॉलीवुड मूवी में छोटी छोटी चीजें देखते हैं ना हम, कि हॉलीवुड मूवी के हॉलीवुड कुछ नहीं इसके सामने, अगर इस लेवल पे बात करें तो आज तक हॉलीवुड ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। बॉबी देओल के बारे में क्या कहोगे? बॉबी देओल के बारे में क्या कहा यार, उनका सबसे बड़ी बात तो उनका रोल इतना साइलेंट था जी, और उनका जितना मासी अवतार और जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया है, बॉबी देओल मेरे हिसाब से कहीं देख सकते हैं तो वो एक चॉकलेट बॉय की तरह थे। हाँ, और अभी अपन अगर देखे तो एक मासी अवतार उनका आया और बहुत काफी बहुत ही खतरनाक था, जिसका कोई मैं तोड़ ही नहीं यार, मतलब उन्होंने कमबैक करा है। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? आउट ऑफ 10 एंड 10।